पता नहीं सारा दिन थकते नहीं ये लोग। कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, let them enjoy। तुम लोग भी पले हो, मतलब इस तरह तो नहीं पले हमने तो। वो देखो मामा आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम दोनों चलो अंदर। नहीं हम नहीं जाएंगे। दुल्ला आई से कोइंसाइड। माम जाओ अंदर। माम मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूं। मैं जानती हूं मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ दी है आप लोगों को, बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे। लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ शामीन की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, बच्चों से मिल लिया बस अब तुम जा सकते हो। मैं सच्चे दिल से माफी मांग रही हूँ आपसे। मुझे एहसास है, मैं एतराफ करती हूँ कि मुझसे बहुत गुनाह सरजद हुए, मैंने बहुत सी गलतियां की और उसकी सजा भी भुगती है। लेकिन आप लोग मुझे शामीन की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, वो एक हादसा था, मेरी बात का यकीन कीजिए। लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं मिशाल की मुजरिम हूँ, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। मैं एतराफ करती हूँ कि हम आपके साथ मिलकर मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसको बदनाम करने का प्लान मैंने ही बनाया था ताकि रुहाब उससे बदजन होकर मुझसे शादी कर ले। इतने साल मैंने अपने किए की सजा भुगती, आज आप लोगों के सामने खड़ी हूं, आप लोगों के कटहरे में। जो भी सजा देंगे ना वो भुगतने को तैयार हूं। तुम्हारी सजा यही है कि तुम इन बच्चों की जिंदगी से दूर चले जाओ, भूल जाओ इन्हें। नहीं ऐसा मत करें, मुझे मेरे बच्चों से दूर ना करें। उनके सिवा कुछ नहीं है मेरे पास, कोई सहारा नहीं है जिंदा रहने का। ये रो रो के माफी मांग के आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? माफी मांगना चाहती हूँ आपसे, तलाफी करना चाहती हूँ अपने गुनाहों की। आप लोग बड़े जर्फ के, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी गुनाहगार सही, लेकिन इन मासूम बच्चों को तो एक माँ की जरूरत है ना, इन्हें मेरी जरूरत है, इनकी खातिर मुझे माफ कर दीजिए। पप्पो आप मुझे माफ कर दें। खबरदार जो तुमने मुझे पप्पो कहा, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मुझसे और इस घर से, और भूल जाओ अपने बच्चों को। बेहतर होगा कि दोबारा कभी यहां कदम मत रखना, चली जाओ यहां से, हम तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। जरूरत कैसे हुई यहाँ? नहीं ये सब किया धरा आपकी बहू का है, चहिती बहू का। उसका कहना है कि उसे बच्चों से मिलने के लिए यहाँ आना ही होगा, वरना क्या हम उन्हें यतीम खाने लेकर जाएंगे उससे मिलवाने के लिए? क्या असर पड़ेगा बच्चों पर कि उनकी माँ एक शेल्टर होम में रहती और वो हमें जालिम समझेंगे और अपनी माँ को मजलूम। बहरहाल मैं उसका वजूद इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो औरत नहीं है, नागिन है, नागिन, और नागिन की फितरत में ही डसना होता है, वो इसके बगैर रह ही नहीं सकती। ये बात आप मुझे ना कहें, आप मिशाल को समझाएं। मैंने अपने किए की सजा भुगती है मिशाल। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे ना सिर्फ माफ कर दिया बल्कि अपने बच्चों से मिलने की इजाजत भी दे दी। परवीन इजाजत तो ताईजान और ताईजान दे दे, मेरी तो यही दुआ है, पता नहीं उनके दिल कब नरम होंगे। मेरी तो शक्ल देखना नहीं चाहते वो,
मेरा कहा कहा मानेंगे। हाँ लेकिन तुम उन्हें समझा सकती हो, सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें मना सकती हो। तुम मेरे हालात जानती हो, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है। अब जितने भी दिन हैं जिंदगी की मैं अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ, उनके पास रहना चाहती हूँ। बस एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पर। परवीन मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद पर रख के देखूँ तो मैं तो खदीजा और फातिमा के बगैर एक सेकंड नहीं रह सकती। पता नहीं आपने इतने साल कैसे गुजारे माहम और अब्दुल्ला के बगैर। मैं पूरी कोशिश करूँगी, आप आराम करें, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मैं आपको आपके रूम में लेके जाऊँगी। परवीन आज से यहाँ रहेंगे आप, लेकिन प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करें आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। और एक और बात, रुहाब और उसकी बीवी आने वाले हैं, उनके आने से पहले आपको यहाँ से जाना होगा। वो लोग कब आ रहे हैं? बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। मैंने ताजान को बहुत मुश्किल से मनाया परवीन, अब आप मुझे मायूस नहीं करिएगा। तुम फिक्र ना करो, मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझ पर तो तुम्हारे बहुत एहसान है, बस एक एहसान आप करो, मेरे बच्चों को मेरी बीमारी का पता नहीं चलना चाहिए। परवीन आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं बच्चों को नहीं बताऊंगी। बस आप इस कमरे तक महदूद रहिएगा, बच्चों को मैं भेजा करूंगी मिलने के लिए, और खाना भी इसी रूम में भिजवा दूंगी। हाँ हाँ, तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा ही करूँगी। मैं कहीं पर भी रह सकती हूँ, मुझे खाने की कोई परवाह नहीं है, बस मैं अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, उन्हें रोज़ देखना चाहती हूँ, बस और कोई ख्वाहिश नहीं मेरी। ठीक है, मैं आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। वैसे भाई बहुत ही मकार और झूठी औरत है परवीन, मुझसे आप लिखवा लीजिए, वो सब बीमारी का ड्रामा रचा रही है। ऐसा क्यों करेगी वो? हमारी हमदर्दी समेटने के लिए वो यहाँ रहकर हमसे बच्चों को छीनना चाहती है। तुम्हारे भी जो दिल में आता है बस कह देती हूँ। मैं उस औरत का चेहरा पढ़ सकती हूँ, आप मुझसे लिखवा लीजिए, शर्तिया वो बीमारी का ढोंग कर रही है, मगरमच्छ की आंसू बहाती है। और मुझे तो हैरत होती है मिशाल की बेवकूफी पर, वो भूल गई क्या कुछ परवीन ने नहीं किया उन दोनों बहनों के साथ? भाई इंसानियत के नाते करना चाह रही है वो बस, और उदाब का भी यही ख्याल है कि परवीन को उसके बच्चों से दूर ना रखा जाए। ऐसा करते हैं, वो हमारे जो गेस्ट रूम है ना, फिलहाल उसे उसमें पड़ा रहने देते हैं, रुहाब के आने से पहले पहले कहीं और शिफ्ट कर देंगे उसे। आप भी? मैंने सबको बहुत दुख दिया है और उसी की सजा मिली है मुझे, मैं जानती हूँ। चलो ठीक है ना परवीन, जो हो गया सो के, मैं आपकी रिपोर्ट लेने आई हूँ, आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे दे दें, मैं और उदाब किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा देंगे। नहीं अब इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों कोई फायदा नहीं होगा, आप अपनी रिपोर्ट्स तो दें, इंशाल्लाह ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं मिशाल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया, अब तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मैं बस अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन अपने बच्चों के पास गुजारना चाहती हूँ, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। परवीन आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके आगे दो बच्चे हैं, आपको उनकी खातिर जीना होगा। नहीं मिशाल, मैं पहले ही तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है कि इस जिंदगी के जितने दिन बचे हैं वो मैं अपने बच्चों के साथ गुजार लूँ, बस यही बहुत है मेरे लिए। सब ठीक हो जाएगा परवीन, लेकिन बच्चे आपके पास हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ओके पता नहीं क्या बात है, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे लगता है लड़की जरूर फिर से कोई नया ड्रामा कर रही है।
अबू जी को इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? और वैसे भी उसने विशाल को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की थी। परवीन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है अबू, डॉक्टर्स ना उम्मीद है। आज पहली बार मैंने परवीन को इतना कमजोर और इतना बेबस देखा है। बड़ा तरस आ रहा था उस पर जब वो रो रो के मिशाल से माफिया मांग रही थी। बीमारी भी बहुत खौफनाक चीज है बेटा, इंसान को अल्लाह याद करा देती है। ठीक कह रहे हैं आप, आज वो पहले वाली परवीन लग ही नहीं रही थी। इतनी इतनी बेबस, इतनी बिखरी बिखरी और इतनी बुझी हुई। परवीन को उसके किए की सजा मिल गई अब, और इस बात का उसे भी एहसास है। अबू जी आप प्लीज अम्मी को समझाएं कि वो कुछ अरसे के लिए परवीन को यहां बर्दाश्त कर ले और उसके बच्चों के सामने उसकी बीमारी का जिक्र ना करें। हाँ जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे किया है, मैं पुप्पो के घर आ गई हूँ। बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हो, बस अब जरा एहतियात से काम लेना वहां रहते हुए। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे याद है तुमने क्या समझाया था मुझे। बहुत बड़े हॉस्पिटल से फेक रिपोर्ट्स बनवाई हैं तुम्हारी बीमारी की, कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसे, बस अब तुम जरा एहतियात से काम लेना, अगर झूठ पकड़ा गया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी और फिर ये लोग तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये ड्रामा अब कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक वहीं रहो, अपने बच्चों को अपनी मुट्ठी में करो, उनकी हमदर्दियां समेटो, उन्हें इतनी मोहब्बत दो कि वो तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी ना कर सके। अच्छा ठीक है, लापता देखिए मैं, इसने जो भी किया अपनी कमाकली और बेवकूफी में किया और अल्लाह ताला ने सजा भी दे दी उसे। मिशाल उसे माफ कर चुकी है, बेहतर है कि अब आप ही माफ कर दें उसे। कैसे माफ कर दूं रुदाब? उसने मेरे सबसे प्यारे बेटे के साथ जो कुछ किया है कैसे माफ कर दूं? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी मुस्कुराहटें छीन ली, हमारे घर को तबाह कर दिया उसने। शामीन को बेशक उसने कत्ल नहीं किया बकौल उसके, लेकिन फिर भी शामीन आज हम लोगों में नहीं है, उसकी वजह तो परवीन ही है ना। मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती, जितनी जल्दी हो सकता है उसे इस घर से चलता कर। ताईजान आप ही के लिए तो उसको कोई भी माफ नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरा यकीन करें वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आई है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, उसका खाना वगैरह सब हम लोग रूम में पहुंचाएंगे, वो ऐसा नहीं घूमेगी घर में। अम्मी देखिए उसके यहाँ रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, और अबू ने भी अब तो इजाजत दे दी। अम्मी प्लीज मान जाए, देखें वो बीमार है, बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ से इलाज कराएगी। बेचारी मत कहो उसे, हरगिज वो बेचारी नहीं। अम्मी ये वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं है। मैं मानता हूँ कि उसने हमारे साथ जो भी किया बहुत बुरा किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या करें, इन रिटर्न वो सलूक तो नहीं कर सकते ना उसके साथ। घर में तो ले आए हो तुम दोनों से, अब और क्या चाहते हो? ताईजान बीमार है वो, आपको पता तो है, मैं और रुदाब चाह रहे थे कि हम लोग उसका इलाज करवा दें। क्या पता नहीं इतनी हमदर्दी तुम लोगों में कहां से आ गई है। मामा मामा आप हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? नहीं कभी नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस पक्का वाला, कहां छोड़ के जाऊंगी तुम लोगों को, तुम लोग तो मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे लिए तो वापस आई।
वैसे ये औरत इनकी क्या लगती है, शक्ल और हुलिये से इनकी रिश्तेदार तो नहीं लगती कहीं से। अरे तुम्हें नहीं मालूम, इसका नाम परवीन है और वो जो इनका डॉक्टर बेटा है ना, जो मुल्क से बाहर रहता है, उसकी पहली बीवी थी, अब्दुल्ला माम की सगी माँ है और इतने सालों बाद पागलखाने से आई है। अच्छा क्या हो रहा है ये सब, ये तकल्लुफात और तैयारियाँ किस लिए हो रही हैं? अरे मैंने सोचा वो परवीन बीबी इतने सालों बाद आई हैं, तो कुछ खाने पे खास एहतमाम कर लूं। कोई जरूरत नहीं है, परवीन का अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ रोज की मेहमान है वो यहाँ पर। चलो समेटो सब कुछ, तकल्लुफात में पड़ी हैं। हमें क्या जी, कोई इस घर में मेहमान हो या कुछ भी हो, हम तो नौकर हैं। विशाल, 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 कहाँ रह गई है ये? विशाल, जमीला आज क्या बना रही हो खाने में? दाल चावल और मीठे में खीर। अच्छा पास्ता है घर में? आपने क्या करना है जी? वो बच्चों का दिल चाह रहा है, कह रहे थे कि बना दूं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किचन के और घर के कामों में मुदाखलत करने की, बच्चों की वजह से यहाँ आई हो, आराम से रहो। वो पुप्पो, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे पुप्पो मत कहा करो। तुम्हारा अब मुझसे या इस घर से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। सिर्फ बच्चों की वजह से तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है, वरना अगर तुमने कोई भी मुदाखलत करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि याद रखोगे। विशाल तुम यहाँ बैठी हो, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ ताईजान, कोई काम? वो जिस मुसीबत को तुम यहाँ लेकर आ गई हो ना दोबारा, उस पे जरा नजर रखो। कब से वो पूरे घर में दंदनाती फिर रही है, उसे कहो अपने कमरे तक महदूद रहे। पहले वो बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी और अब वो किचन में उनकी पसंद का खाना बनाने चली गई है। ताईजान मैं कैसे बोलूं, आप घर की बड़ी हैं, आप उसे मना कर दें। मैं उस औरत के बिल्कुल भी मुंह नहीं लगना चाहती, पता नहीं कैसे तुम उस पर एतबार करके उस नागिन को वापस इस घर में ले आई हो। अकल पे पर्दे पड़ गए हैं तुम लोगों के। तो ताई जान मैं क्या करूं, अब तो वो आ गई है ना इस घर में। जितनी जल्दी हो सकता है ना उसे इस घर से निकाल दो। देखो बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मुझे उस औरत का इस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार अगर उसे बच्चों की आदत पड़ गई ना, तो वो मुस्तकिल इस घर में डेरा जमा लेगी। मुस्तकिल क्यों रहेगी ताईजान, वो यहाँ पे आप जान तो चुकी हैं, बीमार है बेचारी, हर वक्त कहती रहती कि मैं मरने वाली हूँ। सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ पर आई है चंद दिनों के लिए, उसका कोई रिश्ता नहीं है इस घर से और वो जानती है ये बात। चली जाएगी कुछ दिनों में। कोई बीमार वगैरह नहीं है वो, बहुत मक्कार औरत है, बेवकूफ बना रही है तुम लोगों को। मुझे यकीन है वो कोई नया मंसूबा लेकर इस घर में आई है, वो कभी नहीं बदल सकती।
मामा आपको पता है मैं हर एग्जाम और पेपर में फर्स्ट आती हूँ, लेकिन भैया मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं है, इन्होंने तो कभी भी फर्स्ट पोजीशन नहीं ली। हर बार फर्स्ट पोजीशन खतीजा की आती है, ये तो बड़ी मुश्किल से पास होती है। मामा आपको पता है ये अपनी क्लास के सबसे नालायक स्टूडेंट है। बुरी बात, भाई से ऐसे बात नहीं करते। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत लायक है, बड़ी होके पापा की तरह डॉक्टर बनेगी ना। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और उसको तो खेलने कूदने से फुर्सत ही नहीं है। हाँ तो आप कौन सा हर वक्त पढ़ते रहते हैं, हर वक्त वीडियो गेम्स। और आपको पता है आपकी ये लड़ने झगड़ने वाली आदत बहुत बुरी है, दादो कहती है कि आपकी ये आदत मम्मा पर गई है। दादो कहती है ये? हाँ, और भी बहुत कुछ कहती रहती है आपके बारे में। और क्या कहती है? यही कि आप बहुत बुरी है, हर वक्त लड़ती रहती है और किसी की इज्जत नहीं करती। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप पागल है। जो मेरी मामा को पागल कहेगा वो खुद पागल होगा। खबरदार, बुरी बात, ऐसा नहीं कहते। आपके घर वाले तो कितने अच्छे हैं, विशाल आंटी, दादा, दादू सब आपका कितना ख्याल रखते हैं, शायद मेरे से भी ज्यादा। मैं तो इन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की, समझे आप? परवीन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इन बच्चों को प्यार देके, इनका ख्याल रख के मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये बिल्कुल मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। अच्छा, आप फ्री हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं आती हूँ। अपनी बीमारी की वजह से बड़ी परेशान है बेचारी। अब वो चाहती है कि इस आखिरी उम्र का हिस्सा जो है वो हमारे घर में रह के गुजार ले। मिशाल ने उसे समझा दिया है, देखो भाई अब यहाँ रहना है तो आदमी के बच्चों की तरह रहना पड़ेगा। मुझे तो आप लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आती कि तलाक के बाद उसका यहाँ रहने का जवाब कैसे बनता है। ये तो तुम ठीक कह रही हो, जवाब तो उसका नहीं बनता, लेकिन अब वो बेचारी जाएगी कहाँ? और फिर तुम्हारा एक खून का रिश्ता है उसके साथ, उस रिश्ते के नाते कम से कम उसका इतना हक तो है। तुम तो वैसे बहुत प्यार करती थी उससे। इसी बात का तो अफसोस है, और सारी जिंदगी रहेगा। देखो, बच्चों से गलतियां हो ही जाया करती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उन्हें इस हाल में बेयारों मददगार छोड़ दें। डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है, पता नहीं कितने दिन के मेहमान है बेचारी। प्रवीण अंदर आ जाएं, बैठे। नहीं नहीं, शायद पप्पू को मेरा यहाँ आना अच्छा ना लगे। एक्चुअली मैं भी आपको यही कहने आ रही थी, ताईजान काफी गुस्से में, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि आप किचन में भी गई हैं। प्रवीण प्लीज आप अपने कमरे तक ही रहें। बच्चों ने पास्ता की फरमाइश की थी, मैं उनको डाल नहीं सकी, इसलिए गई थी किचन में। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप अभी से बच्चों के कान में बात डाल दें कि आप यहाँ पे कुछ ही दिन के मेहमान हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रोहाब आने वाले हैं और उनके आने से पहले आपको जाना होगा। इस घर में क्या, मैं तो वैसे भी चंद दिनों के मेहमान हूँ। विशाल, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अब्दुल्ला वहाँ बिल्कुल मेरे बच्चे हैं, आप फिक्र नहीं करें। पता नहीं जो आने वाली हो वो कैसी हो, पता नहीं मेरे बच्चों के साथ कैसा सलूक करें। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं और रुदाब है ना, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती। मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, बस तुमसे बात करती हूँ तो दिल हल्का हो जाता है। तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम इस घर के लोगों को अपनी शक्ल दिखाऊँ। मैं आपसे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं तुम्हारी फुफो नहीं हूं, कोई रिश्ता नहीं है मेरा और तुम्हारा, चली जाओ यहाँ से। मैं मानती हूँ मैं आपकी, इस घर के तमाम अफराद की मुजरिम हूँ। आप जो सजा देंगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। आप मुझ पर गुस्सा करें, मुझे मारें, लेकिन खुदा के लिए मुझसे नफरत ना करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी आपकी नफरत।
बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। और मैंने कहा ना, दफा हो जाए यहाँ से। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे ये गैरों वाला सलूक ना करें। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती। बस बंद करो ये ड्रामेबाजियाँ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी इन सारी हरकतों से। मैं सच कह रही हूँ, इस नफरत से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। तुम इसी लायक कि तुमसे नफरत की जाए, और तुम्हें जीने का कोई हक भी नहीं है। जो कुछ तुमने हमारे खानदान के साथ किया है, इस घर के साथ किया है, अपने शौहर के साथ किया है, और जो तुमने शामीन के साथ किया है ना, याद रखो ये जो बीमारी का सारा ढोंग रचाया हुआ ना तुमने, ये असल में बीमारी नहीं है, ये तुम्हें अल्लाह की तरफ से सजा मिल रही है उन सारे गुनाहों की जो तुमने किए हैं। चली जाओ यहां से, मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती तुम्हारी। अब्दुल्ला बेटा, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? खाओ जल्दी से। हमारे मामा को यहाँ बुला दे, हम उनके साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। आपकी मामा का ब्रेकफास्ट उनके रूम में जा चुका है, इसलिए शाबाश नाश्ता करो। हमारे मामा का नाश्ता उनके बेडरूम में क्यों जाता है? वो हमारे साथ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकती। अब्दुल्ला बहस नहीं करते बेटा, नाश्ता करो, चलो शाबाश। But why? Because she's not a part of this family, that's why. अगर मेरी मामा इस फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो आज से मैं भी इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। जमीला, मेरा नाश्ता मेरी मामा के बेडरूम में भिजवा देना, मेरा भी। माहम, अब्दुल्ला, बेटा। क्या हो गया बच्चों? बहुत बुरी बात है। वादा करो तुम लोग मुझसे, आइंदा इस तरह कभी खाने की मेज से नाराज होकर उठ कर नहीं आओ। लेकिन हम वहाँ बैठ के तब तक नाश्ता नहीं करेंगे जब तक आप हमारे साथ नहीं होंगी। आखिर आप हमारे मामा हैं, कोई मेहमान नहीं जो आपका नाश्ता आपके रूम में भिजवाया जाए। देखो बुरी बात है, आपके दादा और दादी और आप मिशाल आंटी कितना प्यार करते हैं आपसे, उनका दिल नहीं दुखाना, समझ रहे हो? और मिशाल आंटी से कभी बदतमीजी नहीं करनी, वही लोग तो तुम लोगों का ख्याल रखेंगे मेरे बाप। मतलब आप हमें छोड़ के चली जाएंगी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चुपचाप खाओ, देर हो रही है स्कूल से। खत्म कर रहे हैं। मुझे तो यकीन हो गया है, पहले तो सिर्फ शक था कि ये परवीन बीमारी का ड्रामा कर रही है सिर्फ और सिर्फ इस घर में आने के लिए, और वो आपकी बेवकूफ बहू मिशाल, कितनी आसानी से उसने उस पर यकीन भी कर लिया और उसे यहाँ आने की दावत भी दे दी, और सब कुछ भूल गई जो कुछ उसके साथ उसकी बहन के साथ हुआ और उसे माफ कर दिया। ये तो तुम औरतों को शक करने की बड़ी बुरी आदत होती है। मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो सब ड्रामा कर रही थी, मगर डर मुझे इस बात का है कि हम कहीं पहले से भी ज्यादा नुकसान ना उठा लें। अरे चलो, अगर ऐसा कर भी रही है तो अपना नुकसान करेगी ना, उसे यहाँ रहने कौन देगा? तुम कुछ दिनों के लिए पुरानी रंजिशों को भुला क्यों नहीं देते? आप ऐसा करें कि उसे मना कर दें कि वो बच्चों के पास ना ज्यादा वक्त गुजारे। मुझे डर है कि कहीं वो बच्चों को ही नुकसान ना पहुंचा दे। अभी अभी तो वो पागलखाने से आई है, क्या भरोसा? कैसे हो सकता है, बच्चों के लिए तो वो यहाँ आई है, माँ है, बच्चों से मिलने से कैसे रोक सकते हैं उसे हम? परवीन की जहरीली फितरत से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो बच्चों के कान जरूर भरेगी और उन्हें हमारे खिलाफ बदजन भी जरूर करेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो पहले वाली परवीन नहीं रही, तब्दील हो गई है। आप प्रयास साहब बहुत सादा हैं, बहुत मासूम हैं आप,
परवीन की फितरत कभी नहीं बदल सकती। वो मिसाल सुनी है ना आपने, कुत्ते के दुम वाली, जिस तरह कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना, बिल्कुल वो भी ऐसी ही है। परवीन, परवीन आप ठीक तो हैं? क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? बस चक्कर सा आ गया मुझे, ठीक हूँ। किस डॉक्टर को दिखा रही हो? ले चलते हैं उसके पास। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी, ऐसे भी अब कोई फायदा नहीं है। मैं छोड़ के आती हूँ, आराम से देख के, आराम से। मामा बताए ना, क्या आप बीमार हैं? हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, वो आपको इंजेक्शन लगाएंगे और आपको एक मीठी सी दवाई भी देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मामा बेटा, मामा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हो उनको, शी इज परफेक्टली फाइन। तो फिर ये रो क्यों रही हैं? और इन्हें थोड़ी देर पहले चक्कर क्यों आए थे? इनको ले जाओ विशाल, इनको यहाँ से ले जाओ। मामा आप रो क्यों रही हैं, प्लीज बताएं। मैं इनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती, तुम इनको ले जाओ। आप ऐसे क्यों कर रही हैं परवीन, बच्चों के सामने क्यों रो रही हैं आप? परवीन प्लीज हिम्मत से काम लें, जाओ तुम लोग जाओ। नहीं, हम लोग मामा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे इनके साथ। तुम्हें कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझे इस हालत में देखे। माँ बेटा आ जाओ, चलो अब्दुल्ला मामा को रेस्ट करने दो, आ जाओ माँ, चलो बेटा जाओ, आओ अब्दुल्ला चलो बेटा। जाओ मामा बिल्कुल ठीक है, अभी ठीक हो जाएंगे। हाँ प्रेस करें परवीन, मैं जमीला से कहकर सूप भिजवाती हूँ। क्या हुआ उसे? पता नहीं ताजन, क्या हुआ उनको, चक्कर आ गया अचानक से। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सीढ़ियों से गिर नहीं गई, मैं छोड़ के आई हूँ भी कमरे में आराम कर रही हूँ। मेरे ख्याल में उसे किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बहरहाल हमारे साथ जो कुछ भी उसने किया वो अपनी जगह, लेकिन हम इस तरह उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना बेटा। उससे कहो कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराए, जो खर्चा वर्जा होगा मैं बर्दाश्त करूंगा। ठीक है दादी, ले जाओ इन्हें रुहा, ले जाओ इन्हें यहाँ से और पुलिस के हवाले कर दो। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं, ये मेरा घर है, मैं इस तरह अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज इस घर से तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म कर देता हूँ। मैं रुहाब अहमद अपने माँ बाप को गवाह बनाकर तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। माशाल्लाह, तस्वीरों में जैसी लगती थी ना, उससे कहीं ज्यादा प्यारी। थैंक यू सो मच आंटी। अंकल आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, देखती रहो। तुम्हारे बेटे को भी हमेशा से सरप्राइज देने का शौक है, है? जुमे को आना था, आज आ गया। क्यों आप लोगों को मेरा इस तरह से आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं ऐसी बात थोड़ी है। अरे नहीं बेटा, क्यों अच्छा नहीं लगा, हम तो पता नहीं कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। जी बताए बच्चे कहाँ हैं? कोई बच्चे स्कूल गए हैं, 2 बजे तक आएंगे। खैर अंदर चलें। हाँ बिल्कुल चलो, अंदर चलो, आओ बेटा।